हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेयर्स के पिछले वीडियो में हमने बताया आपको, लेयर का इंट्रोडक्शन दिया, लेयर क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे नया लेयर बना सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप कर सकते हैं, और कैसे हम दो लेयर्स या फिर बहुत सारे लेयर्स को लिंक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको लेयर की ओपेसिटी क्या होती है, लेयर में ब्लेंडिंग ऑप्शन क्या होता है, लेयर को मूव करना, लॉक और अनलॉक करना, और लेयर्स को पूरी तरह से मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सामने एक फोटोशॉप में बनी हुई फाइल है और बगल में लेयर्स का ऑप्शन ओपन है। तो दोस्तों, सबसे पहले आते हैं ओपेसिटी पे। जैसे कि हमने यह लेयर एक सेलेक्ट किया, यहाँ से आ जाते हैं, हम लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये फोटो सेलेक्ट हटा देते हैं अभी। तो ये लेयर हमने सेलेक्ट कर लिया, हम चाहते हैं इसकी ओपेसिटी जो है वो कम हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप ओपेसिटी का जो ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आकर हमें इसको यहाँ से हम ड्रैग करके भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अमाउंट जितना चाहे वहाँ पर, जैसे 20% उतना फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जिस लेयर का चाहें उस लेयर की ओपेसिटी कम कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला इमेज, ये वाला है, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया ये वाला इमेज, और इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, तो यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं। तो ये हो गया ओपेसिटी। अब आते हैं दोस्तों ब्लेंडिंग। दोस्तों, ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है लेयर में वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे इमेजेस को बहुत अच्छा मैनेज कर लेता है, बहुत ही इफेक्टिव हो जाते हैं उसे। जैसे कि हम आ जाते हैं अपने इस वाले इमेज पे, इस पर यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया और ये आ जाते हैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पर, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब ये देखिए, ब्लेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक करते ही लेयर स्टाइल में यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन डिफॉल्ट का ये आ गया ऑप्शन। अब यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि बेवल एंड एम्बोस है, तो इस पर हम टिक करते हैं। इस पर हम जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किनारे पे कुछ एम्बोसिंग जैसा आ रहा है, लेकिन उसको मैनेज कैसे करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, तो आगे क्लिक करते ही उससे जुड़े सारे डिटेल्स आ गए हैं, जिससे हम उसको कम या अधिक कर सकते हैं। जैसे डिफॉल्ट है इसको हम, ये देखिए आप फोटो में भी देख सकते हैं वहाँ पे जो प्रोसेसिंग हो रही है, ये देखिए एम्बोस और स्ट्रोक, ठीक इस तरह से सारे हैं। जैसे स्ट्रोक अगर हमें लेना है तो हमें यहाँ पे टिक करना होगा और यहाँ पर आ जाएंगे। स्ट्रोक का कलर अगर हम रेड करते हैं तो ओके, और ये साइज, ये देखिए, ड्रॉप साइड को ले लेते हैं, जैसे ड्रॉप साइड पे आ गए हम, और यहाँ से हम जो चाहें ऑप्शन ले सकते हैं। डिस्टेंस आप देख सकते हैं, डिस्टेंस भी वहाँ पे शो कर रहा है। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन से हम बहुत ही तरह से अपने किसी इमेज को रियल लुक दे सकते हैं। जैसे कि ये इमेज यहाँ पे लाए हुए, और अगर हम यहाँ इसमें शेडो डाल देते हैं यहाँ से, तो वो काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। तो इस तरह से बहुत बड़ा यूज़ है इसका, ब्लेंडिंग ऑप्शन का। यहाँ से हम अपने किसी भी इमेज में पैटर्न वगैरह भी फिल कर सकते हैं, और उसकी यहाँ से ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस तरह से ये ब्लेंडिंग ऑप्शन का यूज़ हो गया। अभी हम ये इफेक्ट सब हटा देते हैं यहाँ से। अब आते हैं दोस्तों, हम अपने जो हमारे ये लेयर्स हैं उनको हम मैनेज कैसे करें, उनको हम मूव कैसे करें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला लेयर है, आप ये वाला यहाँ पे है, और दूसरा इनका जो शेडो है वो यहाँ पे है, बीच में एक और लेयर है। हम चाहते हैं कि ये इमेज और ये शेडो वाला इमेज दोनों एक साथ हो, तो हमें सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, जैसे ये वाला इमेज है हमारे पास शेडो वाला, तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और राइट बटन प्रेस किए हुए रहेंगे, उठा करके इसके ऊपर रख देंगे। उसके ऊपर रखते ही वो नीचे आ जाएगा वहाँ पर, ये देखिए इमेज, उसके नीचे शेडो। तो इस तरह से हम मूव कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने लेयर को, और जैसा चाहें उस तरह से व्यवस्थित भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे अगर कोई लेयर है उसको हम लॉक करना चाहें, जैसे हमारा ये इमेज यहाँ पर फिट हो गया, हम नहीं चाहते हैं कि ये वाला इमेज जो है, ये वाला यहाँ पर फिट हो गया है, हम नहीं चाहते हैं कि वह कहीं पर मूव हो हमारे, मतलब पूरे प्रोसेसिंग में अगर हम अपने फोटोशॉप में कहीं पर भी कोई चेंजेस कर रहे हैं तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम इसको लॉक कर सकते हैं। अगर हम हाइड कर देते हैं, यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं, लेकिन क्या वो हमें दिखाई नहीं देगा, फिर उसकी पोजीशन हमें दिखाई नहीं देगी, तो उसको ऑन रखते हुए भी हम उसको लॉक कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें सिंपल से यहाँ पर क्लिक रखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक का सिंबल बना है, इस पर क्लिक कर देना है। अब यह लेयर जो है लॉक हो गया। अब उसके ऊपर कोई कुछ भी करेगा तो वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते, ना ही कुछ एक्टिव अगर सेलेक्शन भी कर लेते हैं तो भी कुछ नहीं होगा वहाँ पे, यानी कि ये जो हमारा इमेज है वो लॉक हो गया है। अब वह अपनी जगह से कहीं नहीं जाएगा, जैसा हमने उसको सेट किया है और बिल्कुल वैसा ही रहेगा।
दोस्तों अब आते हैं हम अपने मैनेज लेयर एंड ग्रुप्स। जिस तरह से लेयर्स हैं दोस्तों इसी तरह से ग्रुप्स भी होते हैं। जैसे आपकी ये दोनों इमेज को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल जी करके हम एक ग्रुप बना लेते हैं। तो जैसे लेयर है वैसे ग्रुप है, ग्रुप में बहुत सारे इमेजेस को हम ग्रुप कर सकते हैं। तो दोनों एक जैसे ही होते हैं, जैसे लेयर्स हैं वैसे ग्रुप हैं, ग्रुप में बहुत सारे इमेजेस रहेंगे, लेकिन जैसा इफेक्ट हम लेयर पे डाल सकते हैं सेम वैसा ही ग्रुप पे भी कर सकते हैं। तो अब इनको मैनेज कैसे करें, जैसे कि दोस्तों ये लेयर जीरो है और यहाँ इस लेयर में क्या आता है, पीछे का बैकग्राउंड आता है। तो हम इस पर यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको हम रीनेम कर सकते हैं। किधर गया, यहाँ पे भी नहीं आ रहा ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, जो लिखा हुआ है इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो वह एडिटेबल मोड में हो जाएगा, इसको हम रीनेम कर सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया सी माउंटेन, अभी इस पे इसको सेलेक्ट करते ही समझ लीजिए सी माउंटेन, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वही है। अगर इसमें कुछ काम है तो हम सेलेक्ट करेंगे, तो अभी जैसे ये वाला है इस पर हमने डबल क्लिक किया, उसको हमने लिख दिया रोड, तो ये रोड का हो गया। इसी तरह से हम अपने सभी लेयर्स या फिर एक ग्रुप है तो हम इसको लिख दिए इमेज एंड शैडो, यानी कि इसमें इमेज और शैडो दोनों है जैसा कि ये वाले में। तो इस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब। इसमें तो चार पांच लेयर हैं, अगर बहुत सारे 20 25 या फिर 50 लेयर भी हो सकते हैं, और उसमें ग्रुप भी बहुत सारे हो सकते हैं और सिंगल लेयर भी हो सकते हैं। तो इस तरह से नाम लिख करके या फिर हम उन्हें नंबरिंग करके नंबरिंग भी कर सकते हैं। जैसे नाम हमने लिखा ऐसे नंबर डाल सकते हैं कि पहले कौन सा रहेगा दूसरा कौन सा रहेगा। तो इस तरह से हम उसको एकदम एडजस्ट करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अब जैसा कि दोस्तों हम चाहते हैं कि कोई लेयर हम डिलीट करते हैं, जैसे इसे डिलीट करना चाहते हैं, ये नहीं चाहिए हमको ये बोर्ड, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट लेयर पर क्लिक करेंगे। अभी आप देख सकते हैं इसने हमसे हमें रिमाइंड किया कि आप डिलीट करना चाहते हैं, यस, तो वह लेयर डिलीट हो गया। वापस कंट्रोल जेड करते हैं और ग्रुप में भी ऐसा ही प्रोसीजर, ग्रुप को भी हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आकर डिलीट ग्रुप पर हमें क्लिक करना हो, ग्रुप एंड कंटेंट्स यानी कि सब डिलीट हो जाएगा। ग्रुप ओनली पर अगर क्लिक करते हैं तो जो ग्रुप का फोल्डर था वो डिलीट हुआ, उसके अंदर के कंटेंट नहीं डिलीट हुए। अगर उनके अंडर के कंटेंट भी हमें डिलीट करने हैं तो राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट ग्रुप में जा करके ग्रुप एंड कंटेंट दोनों पर क्लिक करना होगा और वह पूरा कंटेंट जो था इमेज और शैडो दोनों डिलीट हो गए। कंट्रोल जेड करते हैं वापस। तो इस तरह से हम ग्रुप और लेयर को दोनों को डिलीट भी कर सकते हैं। अब दोस्तों एक ऑप्शन और है कि एक्सपोर्ट लेयर्स। या दोस्तों जैसे कि इसमें लेयर्स हैं 1 2 3 4 लेयर्स हैं, हम इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक ये तो ग्रुप में आ गया, 2 3 4 लेयर हैं, इनको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं अदर्स फाइल में, अदर्स फॉर्मेट में। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें आना होगा यहाँ पे फाइल मेनू में, फाइल मेनू में आ करके हमें स्क्रिप्ट पे जाना होगा। ये हम स्क्रिप्ट्स पे आ गए और यहाँ आ करके हमें यहाँ पर क्लिक करना है एक्सपोर्ट लेयर टू फाइल्स, एक्सपोर्ट लेयर टू फाइल्स, ये हमने क्लिक कर दिया। अब ये लोकेशन आ गई, हमने लोकेशन डेस्कटॉप ले लिया है, ये फाइल का नाम हम जो चाहें वो रख सकते हैं, फोटोशॉप एक्सपोर्ट लिख देते हैं यहाँ पे, ये हमने लिख दिया। और यहाँ से फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, ये दोस्तों यहाँ से आप जो फॉर्मेट चाहें उस फॉर्मेट में, मैंने पहले PDF में किया था, अभी मैं ले लेता हूँ यहाँ से जो है JPG ले लेता हूँ या फिर PNG8 ले लेता हूँ, PNG8 ले लिया और रन कर दिया। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं साइड में पूरी प्रोसेसिंग चालू है, ये देखिए। ये देखिए एक्सपोर्ट लेयर टू फाइल्स वाज सक्सेसफुल, यानी कि जितने लेयर्स हैं सारे के सारे वहाँ पे सफलतापूर्वक एक्सपोर्ट हो गए। अब हम उनकी जांच कर लेते हैं एक बार, आ जाते हैं डेस्कटॉप पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जो है PNG फाइल्स वहाँ पे बन गए। अब हम अपने फोटोशॉप में देख लेते हैं यहाँ पे कितनी थी, 1 2 3 4 और इसके अंदर दो इमेज है 5 6, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सब PNG फाइल्स हैं।
हम इसको एक बार व्यू कर लेते हैं ओपन विद, और हम ओपन कर लेते हैं, हम फोटोशॉप के साथ में ही ओपन कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा वहाँ पे। पहले जो सॉफ्टवेयर ओपन है ये देखिए दोस्तों, कंट्रोल को करते हैं एक बार, और हम सबको सेलेक्ट करते हैं यहाँ से जितने हमने एक्सपोर्ट किए हैं, ये चार ले लेते हैं, ओपन किया। ये देखिए दोस्तों, जितनी भी फाइल हमने वहां पर बनाई थी, जितनी भी फाइलें रखी थी, उस पूरे इमेज में सारे के सारे सिर्फ एक क्लिक के द्वारा पीएनजी फॉर्मेट हम जेपीजी में ले सकते हैं, पीडीएफ में ले सकते हैं, जो फॉर्मेट की फैसिलिटी वहां पे है उन सभी फॉर्मेट में ले सकते हैं, और सिर्फ एक क्लिक से हम अपने इमेज के अंदर सारे कंटेंट को किसी एक सिंगल फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। दोस्तों अब जानते हैं हम कैसे दो लेयर्स को हम मर्ज कर सकते हैं, आपस में मिला सकते हैं। जैसा कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे दो जो लेयर हैं, जो कंटेंट है लेयर्स के, उनको हमें अलग नहीं करना है, बिल्कुल उनको साथ में रखना है, आगे भी उन्हें अलग करने की जरूरत नहीं है, तो उनको मर्ज कैसे कर सकते हैं एक में। जैसे कि यह है एक, ये दो इमेजेस हैं यहाँ पे, और ये तो ग्रुप में हमने कर दिया, इसके लिए ये दोनों एक साथ में मूव हो रहे हैं, लेकिन ये फिर भी अलग हो सकते हैं जैसे हम अनग्रुप करेंगे। जैसे कि यह एक बोट है, इसकी हम एक और कॉपी बनाते हैं, ये लेयर हम सेलेक्ट करते हैं बोट वाला, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर ली, इसकी एक और कॉपी हमने बना ली, यहाँ पे अल्ट बटन के साथ हमने ड्रैग किया तो एक और कॉपी बन गई, इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसीजर ग्रुप किए हुए ऑब्जेक्ट्स को भी मर्ज करने का रहेगा। तो ये एक छोटी बोट हो गई और एक बड़ी बोट हो गई। अब हम चाहते हैं कि यह दोनों फुल्ली एक दूसरे से मिल जाएं, एक दूसरे में मर्ज हो जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाले बोट का लेयर अलग है और ये वाले बोट का लेयर अलग है, दोनों अलग अलग हैं, तो हमें इन दोनों को मर्ज करने के लिए इसको भी सेलेक्ट करना होगा कंट्रोल के साथ में, हम ये दोनों लेयर, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों लेयर सेलेक्टेड हैं। दोनों लेयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और हमारे पास ऑप्शंस है मर्ज लेयर्स, मर्ज लेयर्स पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट किए हुए दोनों लेयर आपस में मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल लेयर हो गया, पहले ये दोनों दो लेयर थे, पहले ये दोनों दो लेयर थे, अभी ये एक सिंगल लेयर बन गए, यानी कि यह अब एक हिस्सा बन गया, दोनों अलग अलग नहीं रह गए, एक हो गए, जहाँ पर हम ड्रैग करेंगे वहाँ पे जाएंगे। अगर इन्हें हमें अलग करना है तो हमें फिर से क्रॉप करके कट करके अलग करना है, अनग्रुप करके अलग नहीं होने वाले हैं। ठीक, अभी इसको हम कंट्रोल जेड करके वापस जाते हैं, ये हम वापस आ गए। अब हमें अगर जैसे कि हमें ये वाला लेयर छोड़ के बाकी को मर्ज करना है, ये रोड वाला नहीं रखना है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, जिसको नहीं रखना है उसको यहाँ से हाइड कर देंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके मर्ज विजिबल पर क्लिक करेंगे, तो जितने लेयर दिख रहे हैं, ये देखिए ग्रुप से लेकर के ये जितने दिख रहे हैं वो सारे के सारे मर्ज हो गए, आपस में एक इमेज बन गए, और ये वाला जो है वो अलग हो गया, क्योंकि ये सारे मर्ज हो गए, इसके लिए ऊपर हो गए और ये नीचे रह गया, ये वाला जो वे था, जो रोड वाला था, अगर हम इसको ऊपर लाते हैं यहाँ पे ड्रैग करके तो कैसे दिखेगा, ये नहीं आएगा ऊपर, आएगा ये देखिए, तो ऊपर करने पर इस तरह से दिखे। तो इस तरह से हम जितने लेयर चाहे दिख रहे हैं उन सबको भी मर्ज कर सकते हैं, और वापस आते हैं पिछले कंडीशन में, तो ये हो गया। अब आता है दोस्तों एक साथ में सारे के सारे लेयर्स को मर्ज कर देना, वो विजिबल हो या फिर नहीं विजिबल हो, जो भी हो, जैसे कि ये इनविजिबल है, हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया और फ्लेटेन इमेज पर क्लिक किया और ओके किया, ये देखिए अब यह सारे जितने इमेज हैं, जितने भी कंटेंट है, वो सारे मर्ज हो गए और एक बैकग्राउंड के रूप में हो गए, इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं जब तक कि उनको हम एक लेयर में नहीं कन्वर्ट कर दें। उसके लिए हम फिर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, लेयर बनेगा, तब भी यह एक इमेज है, फ्लेटन हो गया। तो इस तरह से हमारा जैसे जो हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा डिजाइन है, वो फाइनल हो जाने के बाद आप उसको चाहें तो एक साथ में सबको मर्ज कर सकते हैं। और अब मर्ज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, जैसे दोस्तों कि आपने बना लिया फाइल, अब बाद में आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 147 MB की फाइल है, ये 147 MB की, और उसको आप जैसे ही सबको मर्ज करेंगे, आप यहाँ पर फ्लेटन इमेज करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल का साइज जो है वो 51.3 MB का हो गया, यानी कि आपकी फाइल की साइज बहुत ही कम हो गई और आपका इमेज भी एकदम फिट हो गया। तो इस तरह से हम फ्लेटन अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप ये बेल वाले आइकॉन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हर नए आने वाले अपडेट्स और वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत प्राप्त हो सके।